और ये ढूंढते रहे पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज लोग इनके गुरु जी को। 9 साल की अवस्था में, 7 साल में चालिया वाला बार, 2 साल के बाद सोचे कि अकेला कोई इतना बड़ा काम करना है देश के लिए तो भाई ढूंढे लेवल का गुरु तलाश है। 9 साल में भगत सिंह बोले कि देखो भगत, बात तो ठीक है, 9 साल के तुम लड़के हो, अंग्रेज लोग बड़े क्रूर हैं, मारेंगे, बेत फांसी में भी चढ़ने की संभावना है, गोली लगेगी, तब क्या करोगे? तुम बोल दोगे, मेरा नाम बोल दोगे, जानते हो 9 साल का लड़का, लाइट चली गई थी, दिया जल रहा था, मोमबत्ती मोटी, और काम चल रहा था, चंद्रशेखर आजाद जी क्रांति का, वहां तक किसी को मालूम ही नहीं था, किसी को इलाहाबाद में खबर नहीं थी कि यहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियां होती है। और 9 साल का लड़का कि गुरु जी आप हमको मौका दे दीजिए, हम देश के लिए चेंज और देश के लिए हमको मरना है, हमने प्रण किया है 2 साल पहले 7 साल की अवस्था में, आप भी जिस रास्ते पे चल रहे हैं हमको भी शिष्य के रूप में स्वीकार किया। बोले कि तुम्हारा तो एक बेट में तो भूल देगा, फट भारत माना बोलना भूल जाएगा। बोले कि भगत सिंह का इरादा को कोई बदल नहीं सकता, भगत सिंह के हौसले को ना पर ठंडा कर सकता है ना अपनी खुला सकता है। हाथ यहां चल रहा है, उफ तक नहीं, मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं। तुमको लगा कि भाई हमसे बात कर रहा है, बाद में जब मार्च चलने की बुआ आई ना तो चंद्रशेखर आजाद जी बोले अरे पगला ये क्या कर लिया, बोला कि आपको प्रमाणित कर रहे थे गुरुदेव का कि आप शिष्य बनाने से पहले आप बोले थे कि तुम्हारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, बोले ना अग्नि मुझे जला नहीं सकती मेरे जज्बात को और बर्फ मुझे ठंडा नहीं कर सकता, गले लगा दिया। बोले बेटा सब ट्रेनिंग दिए, 19 साल में तो धमाके कर दिए, 2 साल जेल में रहे, इतने में 2 साल में जो काम किए कोई नहीं कर सकता, ऐसे महान देश वक्त इनका सबसे फेवरेट गीत था और यही नारा था वंदे मातरम। इसी नारा पर पूरा क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख क्या ईसाई मर मिटने का जज्बा था। और ये बताया गया था कि वंदे मातरम नारा कहाँ से लिया गया था, आनंद मठ से, और राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। क्लियर? ओके, मतलब ऑल स्टूडेंट्स प्लीज स्टैंड। भाई एक को भगत सिंह पर आप चढ़ाएगा और दूसरे को पूरा क्लास का प्रतीत हो लो जी, शुरू करो आराम से धीरे से एकदम लगाओ बढ़िया से। भगत सिंह पर एक सबसे पहले गुरु पर चढ़ाएगा माला और उसके बाद लगाओ बढ़िया से। एक स्टूडेंट आगे बढ़ाओ, कागज हटा कर लेके किसी को बढ़ाओ, डालने से पहले देखना ही देखो, धीरे मीठा ताली बजाओगे। हाँ ओके हटना साइड नहीं होता है।